अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हमारे पारस में इतना सब भी मेहनत उठा को ऐसा सब भी कई मोहल्ले का एक ये एक अच्छा जिसे को कर रही है। इस पर से मेहरबानी से घरों में जो बड़े बड़के हैं और वालिदैन हैं, बच्चों को समझा को कर को गिरे तो करे तो मारा पड़ती है करती हैं, तो समझा को भेजे लेकर को हमारी एक रिक्वेस्ट है उनसे। अच्छा ये बात कर रहे हैं सर, मैं बात करना है सर। आज आपके यहाँ पे पार्क में नरसिम्हराजा क्षेत्र के जो लोग हैं, जैसा कि शांति नगर है, गौसिया नगर है, उदयगिरी है, वहाँ से लोग यहाँ पे जो है मिलाद देखने के लिए आए हैं। लेकिन मिलाद देखने से पहले वो जो है आपके पार्क में बहुत सारा लुत्फ उठा रहे हैं। क्या हर दिन पार्क में इसी तरह रहता है क्या, हम आपसे जानना चाहते हैं सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु। सबसे पहले तो यौम मिलाद की तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन 4-5 वार्ड को रिलेटेड ये एक ही ऐसा पार्क है, इतना बड़े पैमाने पे ये पार्क है। इस पार्क की बहबूदी के लिए, इस पार्क की खूबसूरती के लिए हम जी जान दिन रात से मेहनत कर रहे हैं और नतीजा आपकी आंखों के सामने है। और माशाल्लाह यहाँ पे भीड़ बहुत लगती है सर, बच्चों का आना जाना बहुत रहता है। खेल कूद की एक कमी थी, बच्चों के लिए एक किड्स प्ले इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। काफ़ी सारी तादाद में मोहल्ले की औरतें जो है वो वॉकिंग के लिए, जिम के लिए आती थी, उनकी दरख्वास्त पे हमने ये जिम वगैरह लगवाया था। इसको लगाए हुए गुज़िश्ता 3 साल हो रहे हैं। जब कोरोना में तमाम दर बंद हो चुके थे बच्चों के खेलने कूदने के लिए, तब इस एक जगह को हमने यूटिलाइज़ किया था बच्चों के मनोरंजन के लिए। बाकायदा इसको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल भी की गई, देखा भी गया। लेकिन खिलौना है, कभी टूट भी जाता है, टूटने की वजह से एक आध बच्चे को जख्म। सर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो है कुछ लोग बैठकर ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो है ये तमाम खिलौने टूट चुके हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर। सर देखिए, ऑपोजिशन का काम है दाग लगाना, वो तो लगाते रहेंगे सर। जो है आपकी आंखों के सामने है, आपको ही मैं मद्देनज़र रखते हुए, मीडिया को, सोशल मीडिया को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने नज़ारा है, आपकी आंखों के सामने है। बच्चे हैं, मासूम है, खिलौना होता है टूट जाता है सर, खिलौना का काम है टूटना। बच्चे जो है खेल रहे हैं, हम बच्चों को तो डरा धमका नहीं सकते। बच्चों के मनोरंजन के लिए जो कुछ भी हमसे होता है हम वो ज़रूर करते हैं। आप देख सकते हैं अभी इस साल जो है कॉरपोरेशन कमिश्नर की जानिब से हर वार्ड के लिए 2 लाख रुपये जो है वो दिए गए कि आप मने माने दशहरा करो या फिर पार्क के अंदर कुछ भी आपको ज़रूरी मेंटेनेंस है तो वो करो। तो हमने उन पैसों से इन इक्विपमेंट को, जिमनेजियम इक्विपमेंट्स ऑफ लेडीज़ एज वेल एज द किड्स प्ले इक्विपमेंट, हमने इन सब की मरम्मत की है। जो इनकी ओरिजिनल क्वालिटी होती है उससे कई ज़्यादा इनको और मज़ीद सपोर्ट दे करके, मज़ीद इसमें जो है हैवी गेज के शाफ्ट वगैरह लगा के, हैवी बेयरिंग्स वगैरह लगा के बच्चों की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमने काम किया है। सर यहाँ पे जो आपके सामने जो टैंक बन रही है, ये भी कहा गया था कि ये ज़रूरी नहीं है ये टैंक, और आपने जो है बेहतरीन अंदाज से इसका जो है मंजर हमें यहाँ दिख रहा है, क्या ये बेहद ज़रूरी थी क्या सर ये टैंक। देखिए सर, अगर आप गुज़िश्ता 20-25 साल पीछे चले जाएँ तो ये एक स्लम एरियाज थे। यहाँ पे हर घर जो है वो कवेलियों का घर था, सीटों के घर थे, सिंगल घर थे, सिंगल फैमिली थे। आज तरक्की आसमान छू रही है सर, हर जगह सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक घर बने जा रहे हैं। आवाम ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, किराए पे मकान चढ़ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। हमारा जो एरिया है, हमारी जो वार्ड है, ये अभी एक कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब तादाद ज़्यादा हो जाए इंसानों की तो फिर ज़रूरतें ज़्यादा हो जाती हैं, फिर पानी भी ज़्यादा चाहिए। आप देख सकते हैं टैंकियों में फ़र्क कितना है। जो पुरानी टैंकी है ये 3 लाख लीटर की टैंकी है, जो अब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये 2.25 करोड़ रुपये की लागत से जो है ये 10.5 लाख लीटर की टैंक है सर। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पानी की कितनी ज़रूरत होती है और कितना पानी हमें, मुझे लगता है ये 10.5 लाख लीटर भी हमारे लिए कम महसूस हो रहा है। हम और प्लान कर रहे हैं कि और भी कुछ
जो हम अल्टरनेट डायरेक्ट लाइंस लेके आए HLR से, हमने फिर से मैंने DC से, उस्तवारी से, मैं जिनके ज़ेरे निगरानी मैं जो यहाँ पे वार्ड में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, अलहाज नसीरुद्दीन बाबू, हमारे एरिया की एक्स मेयर कॉरपोरेटर तस्नीम, इनके थ्रू से जो है हमने लेटर पहुँचाए हुए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी, ऑलरेडी टेंडर कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी हम एक 16 इंचेस की लाइन जो है वाटर की, जो हैवी प्रेशर लाइन है, वो कनेक्ट करने वाले हैं। ये कब तक काम ख़त्म होएगा सर? सर मज़ीद 4 महीने लगेंगे सर, ये टोटल 1 ईयर प्रोजेक्ट है, जिसमें से हमने 4 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, टैंक मुकम्मल जो है, कंक्रीट वर्क ख़त्म हो चुका है, अभी इसकी प्लास्टरिंग बाकी है और उसके बाद इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा, गुज़िश्ता 3.5 या 4 महीने के अंदर जो है कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू तमाम लोगों से। शुरू से मैं वार्ड नंबर 26 के तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हर डेवलपमेंट में, हर ऊपर नीचे होने वाली चीज़ों में जो है भरपूर साथ देते हैं, गलियों में आने के बाद अपना कंप्लेन वगैरह लॉक करते हैं, जैसे कि मैं हर मर्तबा कहता हूँ 24x7 हमारी खिदमत उनके लिए हाजिर है। मेरी तमाम पेरेंट्स से एक गुजारिश है कि अपने बच्चों का सही से टेक केयर करें, उनके एजुकेशन के मुतालिक ज़्यादा ध्यान दें। आप जब ऐसी जगह पर पार्कों में, खेलकूद के मैदान में जब अपने कमसिन उम्र मासूम बच्चों को जब भेज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी निगरानी बेहद ज़रूरी है। हमने टाइमिंग बोर्ड लगाया हुआ है, सुबह 6 से 9 बजे तक खुला रहेगा खेल का मैदान और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक का मैदान खुला रहेगा। ये हमारा काम है, ये हमारा फ़र्ज बन जाता है कि हमारे बच्चों की देखभाल हम खुद ही से करें, बच्चों को अकेला ना छोड़ें, बच्चों के साथ आएँ खेलकूद का मैदान में, आप भी इस मनोरंजन का लुत्फ लें और बच्चों की सेफ्टी के बारे में आप खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके बारे में गौर व फिक्र करें, हम कर रहे हैं। थैंक यू सर। बेटा आपका नाम बताओ। आज आप पार्क में आपको जो अच्छे खेल रहे थे उसके बारे में अच्छा लगा? अच्छा लगा। किसमें खेले आप? कौन से खेल? छोटे छोटे। अच्छा लगा। रोज आते हैं आपके घर? हाँ रोज आते। ये पार्क बना कर रही ना, आपको ये सब बना कर दिए ना उन्हों, कौन आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम नहीं है। कौन सी स्कूल में पढ़ रही हैं आप? ईगल कॉन्वेंट स्कूल। ईगल कॉन्वेंट। रीगल 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 रीगल।